अब इंजन को दूसरी तरफ घुमाएं और राइट क्रैंक केस के दो बोल्टों को 8 mm सॉकेट से ढीला करें। लेफ्ट क्रैंक केस के 10 बोल्टों को 8 mm सॉकेट से उसी क्रम से ढीला करें जैसा कि दिखाया गया है। हर बोल्ट को एक बार में 1/4 टर्न घुमाएं और वो भी प्रॉपर सीक्वेंस तथा सही स्टेजेस में। फिर सभी बोल्टों को निकाल लें। दो एलन बोल्टों को निकालें और क्लच केबल होल्डर को निकाल लें। यह बोल्ट लॉक टाइट से कसे गए हैं, इसलिए इन्हें खोलने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत हो सकती है। न्यूट्रल स्विच को उसके वॉशर समेत 14 mm रिंग स्पैनर द्वारा निकाल लें। शिफ्ट ड्रम सेगमेंट को वहां तक घुमाएं जहां तक वो शिफ्ट ड्रम सेगमेंट टीथ से क्रैंक केस सेपरेशन के दौरान संपर्क में नहीं आ सके। क्रैंक केस को एक तरफ से नायलॉन हैमर द्वारा टैप करें। क्रैंक केस के केवल रीइंफोर्स्ड पोर्शन को ही टैप करें, मेटिंग सरफेसेस को नहीं। काम को धीरे धीरे व सावधानी पूर्वक करें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि क्रैंक केस के दोनों हिस्से ठीक प्रकार से अलग हो जाएं।